अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मज़े में हूँ। तो जी हम लोग जा रहे थे KFC, क्योंकि सुहा ने दिमाग खा लिया था कि अम्मा KFC चलो। तो समीर ने बोला भाई चलो, इतना कह रही है तो आपको दिखाते हैं सोहा और उनकी एक्साइटमेंट। सोहा पुट योर आर्म इनसाइड, ओके सोहा। नो हाँ, सो डू इट इनसाइड। क्या व्हाट, आई एम नॉट गेटिंग यू। डोंट फोर्स हर फॉर व्हाट। I will not force her. Buy her a burger if she is not willing to eat. Now we are going to buy her a burger. Okay, Soha? Okay. क्या खाना है आपको? क्या खाना है आपको? अभी नहीं खाना, घर जाके खाना है। चलो ठीक है, घर जाके खा लेना। ये भी घर जाके खाओगी? ओके चलो ठीक है, ओके। ये फ्रेंचाइज खा रही हो अभी आप? ठीक है, तो जी हमने राइस ऑर्डर करे हैं, फ्रेंच फ्राइज विद बर्गर है एंड विंग्स हैं, और ये हमारी ड्रिंक्स है। सोहा हेलो, सोहा घर चले? चलो बस चलते हैं ना, बहुत देर हो गई। अब्बा को जाना है फिर, अब्बा को अपने फ्रेंड के यहाँ जाना है ना। आओ नीचे आओ। अच्छा तो नीचे तो आओ आप। 5 मिनट्स? चलो मैं 5 मिनट्स में आती। तो बस खाना लगाते हैं, रोज़ा खुलने वाला है। बस दो तीन मिनट रह गए, सोहा ने पहले ही खोल लिया। क्या खुलने वाला है? रोज़ा खुलने वाला है आपका? दूध डालेंगे इसमें। आज खाने में मैंने बनाई थी चिकन चिली ड्राई विद नॉर्मल बॉइल्ड राइस। रात के बज रहे हैं 12:15 और मैं और समीर बैठे हुए हैं। हम लोग काम कर रहे हैं। आज है 27वां रोज़ा, 28वीं रात लग चुकी है। तो कल थी ताक रात और कल जागने की रात थी। अब ये कि सोहा को मैंने सुला दिया क्योंकि कल सोहा को स्कूल जाना है। आज सोहा की छुट्टी थी 27वीं शब की वजह से, तो कल सोहा को जाना था तो उसको खाना वाना खिला के मैंने टाइम से सुला दिया है। यहाँ मैं काम मुकम्मल करने में लगी हूँ। आपको मैस दिखाती हूँ। पहले मैं सी रही थी सोहा की शर्ट, मैंने सोहा की शर्ट सी है। उसके बाद सबसे पहले मैंने चिपकाया अपनी शर्ट का सारा गोटा, फिर मैंने अपने गरारे पे लगाना शुरू किया। सोहा की शर्ट भी कर ली है, एक सेकंड दिखाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने गोटा लगाया है शर्ट पर, ये रहा दामन। तो पूरा जब पहनूंगी तो दिखाऊंगी, अभी ये कि मैस दिखा देती हूँ। ये देखें सारी बेल नीचे पड़ी हुई है एंड यहाँ मैं जो हूँ लगा रही हूँ पैंचे पर भी अपने गरारे के। अच्छा मैंने गरारा ना वो टिपिकल वाला नहीं बनाया जो ऊपर से घुटने के उस पर बनता है, मैं थोड़ा सा मतलब नीचे वाला बनाया। ये देखें मतलब इसका जो गोट है ना वो घुटने से नीचे है। तो इस तरीके से मैंने नीचे बॉर्डर पे दो लगाए हैं, घुटने पे एक लगाया है। ये मेरा गरारा है। अब सोहा का दिखाती हूँ, सोहा का भी तैयार नहीं हुआ है पूरा। सोहा के पे मैंने अपने दुपट्टे की बची हुई बेल लगा दी है ताकि थोड़ा सा ना ऐसा लगे कि मेरे ही, वैसे तो थोड़ा सा क्या पूरा ओवरऑल मेरे जैसा ही है, पर ये बच गई थी तो मैंने कहा लगा दो उसको, वेस्ट क्या करना। अभी सोहा के नीचे यहाँ पे जो है लगानी है, सोहा के नीचे इधर लगानी है। और सोहा की शर्ट भी हो गई है, वो भी दिखा देती हूँ। ये सोहा की शर्ट है। सोहा की शर्ट पे मैंने ये गरारे का ही लगाया है पीस,
क्योंकि जो मेरी शर्ट पे लगा हुआ है ना वो ज़्यादा, मतलब ये वाला जो पीस है ये बचा नहीं, तो देखिए मैंने सोहा के करारे का लगा दिया, पर हम दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अब जब पहनेंगे तो आप लोग को दिखाऊंगी ये सारा सामान है। हाँ जी, तो बस ये काम चल रहा है और अभी भी काम बाकी है, तो टाइम लग जाएगा, मुझे लग रहा है एक डेढ़ बजेगा। तो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं क्योंकि दो दिन का व्लॉग हो गया है, कल का और आज का। तो बस व्लॉग को एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इबादतों वाली रात है सभी के लिए, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। दुआएँ बहुत बहुत असर करती हैं, तो बस दुआओं में याद रखिएगा। मेरी भी आप सब के लिए दुआ है कि सबकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जिसकी जो भी जायज़ ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला सब पूरी करे, सब खुश रहें, आबाद रहें अपने अपने घरों में। और बस चलती हूँ मैं, आपसे मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।